नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ईश्वर का दिया हुआ मनुष्य का तीसरा रूप, जिसके नाम मात्र से लोग अछूते रहना चाहते हैं और जिनकी दुआ और बद्दुआ दोनों कारगर होती है। जी हाँ दोस्तों, हम किन्नर की बात कर रहे हैं। किन्नर हिमालय क्षेत्र में बसने वाले प्रतिष्ठित आदिम जाति है। यहाँ तक कि आदि शक्ति का अर्धनारीश्वर अवतार भी उसी का किरदार है, जिसका निर्माण शिव पार्वती के मेल से होता है और हिंदू धर्म में इसकी पूजा भी की जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि शादी विवाह एवं बच्चे के जन्म पर पता नहीं कहां से किन्नर हमारे घर चले आते हैं और अच्छी खासी भेंट लेकर चले जाते हैं। आपने शायद ही ने किसी त्योहार को मनाते या किसी त्योहार में शामिल होते देखा होगा। इनकी रीति रिवाज हम लोगों से अलग ही होते हैं। यहाँ तक कि इनके अंतिम संस्कार की रस्म निभाने का तरीका भी अलग ही होता है, जिसके रहस्य को जानकर आप चौंक जाएंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इनके अंतिम संस्कार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। करूर पुराण के अनुसार मान्यता है कि किन्नरों के पास एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें अपनी मृत्यु से पहले ही पता चल जाता है कि इनकी मृत्यु होने वाली है। ऐसा होने पर किन्नर कहीं भी आना जाना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि अन्न का त्याग कर सिर्फ पानी पीते हैं। इस समय वे ईश्वर से यही दुआ मांगते हैं, उनका अगला जन्म किन्नर में नहीं हो। दोस्तों, मरने वाले किन्नर का आशीर्वाद लेने बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए किन्नर समुदाय द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि मरने वाले किन्नर के बारे में किसी को भी पता नहीं चले। किन्नर समाज में किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसके आत्मा को आजाद करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके लिए दिवंगत के शव को सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। साथ ही यह ख्याल रखा जाता है कि सब पर कुछ भी बांधा हुआ नहीं हो। दोस्तों, किन्नर के शव को दफनाने से पूर्व एक अजीब परंपरा यह भी है कि सभी किन्नर शव के पास एकत्रित होकर उस मृत किन्नर के शव को गालियां देते हैं और जूते चप्पलों से पीटते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से किन्नर के इस जन्म में कोई पाप शेष रह गया हो तो वह भी नष्ट हो जाए और अगले जन्म में उसका जन्म संपूर्ण व्यक्ति के रूप में हो। किन्नरों की सभी यात्रा गुपचुप तरीके से रात को ही निकालते हैं। इसके पीछे यह कहा जाता है कि अगर किसी गैर किन्नर ने मृत किन्नर का शव देख लिया हो तो वह दिवंगत किन्नर दूसरे जन्म में फिर से किन्नर ही बनेगा। किन्नर के शव यात्रा को साधारण मनुष्य की तरह चार कंधे नहीं दिए जाते, बल्कि उसके शव को खड़ा कर ले जाने का नियम है। इसलिए ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि उसके शव यात्रा को कोई आम आदमी नहीं देख सके। किन्नरों को जलाया नहीं जाता, बल्कि इन्हें दफनाया जाता है। किन्नर समाज में मृत्यु होने पर जश्न मनाने की भी अजीब परंपरा है। ऐसा इसलिए किया जाता है मृत किन्नर को इस नरक रूपी जीवन से मुक्ति मिल सके। सभी किन्नर शव के पास खड़े होकर उसकी मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव इरावन को धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि दोबारा उसका जन्म किन्नर के रूप में नहीं हो। इसके अलावा शव को दफनाने के बाद किन्नर समाज द्वारा दान पुण्य किया जाता है तथा व्रत रखा जाता है। साथ ही संपूर्ण किन्नर समुदाय मृतक के लिए यह दुआ करता है, जिस सौभाग्य से इस जन्म में
वह वंचित रह गया है वह उसे अगले जन्म में मिल जाए। इसलिए दोस्तों, किन्नर के जीवन की इस दुखद सत्यता को हमारे समाज को समझने की जरूरत है। और हाँ, यदि आप किन्नर जाति के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं तो आप उनकी बहुचर्चित पुस्तक किन्नर देश में और हिमाचल पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी किन्नर के अंतिम संस्कार से संबंधित रहस्य। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।